आज मैं आपके लिए दिल्ली की मशहूर चिकन चंगेज़ी की रेसिपी दिखाने वाली हूँ। एक स्पेशल डिश है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही रिच, क्रीमी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। खाते वक्त आपको खट्टास के साथ साथ रिच फ्लेवर भी मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए देखते हैं, चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। चिकन चंगेज़ी के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसे पानी से अच्छे से वॉश करके लिया है मैंने। दही लेना है हमें आधा कप, यानी 50 ग्राम दही है ये। आधा नींबू चाहिए हमें। ठंडा दूध लिया है 200 ml, कप से मापेंगे तो ये 3/4 कप है। काजू लेंगे हम 12। दो मीडियम साइज़ के प्याज को हमें स्लाइस करके लेना है। दो टमाटर की मैंने फाइन प्यूरी बनाई है। क्रीम चाहिए 3-4 बड़े चम्मच। इसके अलावा हमें 1.5 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चाहिए। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 2 बड़े चम्मच। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर लेंगे। ज़ीरा पाउडर चाहिए हमें 1 बड़ा चम्मच। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच। गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। 3 हरी मिर्च को मैंने लंबाई में कट करके लिया है। इलायची पाउडर लेनी है हमें 1/8 टीस्पून, यानी 1 पिंच इतना। नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। कसूरी मेथी चाहिए हमें 1 बड़ा चम्मच। तेल और घी को हमें 2 बड़े चम्मच लेना है। और बारीक कटे हुए फ्रेश धनिया के पत्ते लेंगे। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट के लिए रख देते हैं। तो चिकन में हम दही डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट ऐड करते हैं इसमें। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा नींबू निचोड़ के डालेंगे इसमें। अब क्लीन हाथ से सब अच्छे से मिक्स करेंगे। सब अच्छे से लगना चाहिए चिकन के हर एक पीसेस को। चिकन को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। जितने देर तक हम इसे रखेंगे उतना हमारा चिकन टेंडर बनेगा। तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। तेल गर्म होने के बाद प्याज डाल देते हैं इसमें। फ्लेम को हमें हाई पे रखना है और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जब तक ये गोल्डन कलर के नहीं होते तब तक इसे हम भून लेंगे। देखिए, अब प्याज हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब डालेंगे हम काजू। काजू को हमें बाद में ही डालना है क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब दोनों को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं होता प्याज, तब तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। प्याज कैरामलाइज होने चाहिए। तो देखिए, अब प्याज भी फ्राई हो गए हैं। सो एक बाउल में इसे निकाल देते हैं और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसकी हम फाइन पेस्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह, इसे एक तरफ रख देते हैं। अब 1 घंटे तक मैरिनेट होने के बाद चिकन को हमें पकाना है। सो कढ़ाई में हम चिकन डालेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने कोई तेल या घी नहीं डाला है, आप देख सकते हैं। हमें इसे ऐसे ही पकाना है तेज आंच पर। जो चिकन में से पानी निकलेगा उसी में हम इसे पकाएंगे। जब तक ये ड्राई नहीं होता तब तक इसे हमें पकाना है। थोड़ा तीखापन के लिए इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। दही और नींबू के कारण इसमें टैंगीनेस भी आएगा। चिकन को हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो अब देखिए, चिकन अच्छे से ड्राई हो गया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अब हमारा चिकन अच्छे से कुक हो गया है तो फ्लेम को करेंगे बंद और इसे हम एक तरफ रख देंगे। तो अब नेक्स्ट, जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया हुआ था वही पैन लेना है हमें। उसमें हम 2 बड़े चम्मच घी डाल देते हैं। घी हल्का गर्म होने के बाद उसमें हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे, यानी 1 बड़ा चम्मच। और इसे हम अच्छे से 1 मिनट के लिए सौते कर लेते हैं। आँच धीमी होनी चाहिए, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर मिला के सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसे सौते कर लेंगे। इससे मसालों के जायका बना रहेगा।
अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डाल देंगे। दो टमाटर को मैंने पहले पारबॉइल किया, फिर उसका छिलका निकाल के उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। सब अच्छे से मिक्स करते हैं। अब फ्लेम को हम मीडियम पे रखेंगे और इसे हम पकने देंगे। टमाटर को पकने के लिए टाइम लगेगा, जब तक इसके ऊपर तेल नहीं आता तब तक इसे हम कुक करेंगे। देखिए अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे प्याज और काजू की पेस्ट, जो कि हमने पहले ही बना के रखी हुई थी। इसे डालने से हमारी ग्रेवी में एक क्रीमी और रिच टेस्ट आएगा, यानी मक्खन जैसा ग्रेवी बनेगा हमारा। दो मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, चाट मसाला या फिर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें। एक चुटकी इतना हम इलायची पाउडर डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते हैं और 5 मिनट तक इसे मसालों के साथ हम कुक करेंगे। इससे सारा स्वाद कंबाइन हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे दूध, 3/4 कप यानी 200 ml दूध है ये। 3 बड़े चम्मच हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। नमक डालते हैं स्वाद के अनुसार। सब अच्छे से मिक्स करते हैं। अब दूध और क्रीम से हमें व्हाइट सॉस जैसा फ्लेवर आएगा इस चिकन में। इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते रहना है, नहीं तो ये पैन के तले पर लग सकता है। 2-3 मिनटों तक इसे हम ऐसे ही पकाएंगे। अब हम कुक किया हुआ चिकन डालेंगे। सब अच्छे से मिक्स करते हैं और 5 मिनटों तक इसे हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। चिकन हमारा ऑलरेडी कुक है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकाने में। अब 1 कप पानी ऐड करती हूँ इसमें। जो पेस्ट था उसी में मैंने पानी डाला हुआ है। जितना आप ग्रेवी चाहते हैं उस अकॉर्डिंग से आप पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से स्टर करेंगे। अब इसके ऊपर लीड रखते हैं और 10 से 12 मिनट तक इसे हम पकाएंगे धीमी आंच पर। 10 मिनट के बाद देखते हैं। अब ऊपर से हम रोस्टेड कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से ये डिश और निखर के आएगी। थोड़े से फ्रेश धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छे से स्टर करेंगे। फिर से हम लीड रखेंगे और बस 5 मिनट के लिए इसे हम कुक करेंगे। इससे कसूरी मेथी का स्वाद ग्रेवी में आ जाएगा। 5 मिनट के बाद हमारी डिश रेडी है फ्रेंड्स। तो फ्लेम को करते हैं बंद और बस ऊपर से हम फ्रेश धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे सर्व करेंगे। इस डिश में आपको बहुत सारे स्वाद मिलेंगे, जैसे कि प्याज और काजू, क्रीम और दूध की क्रीमी टेस्ट, हल्का मसालों का तीखापन, दही और चाट मसाले का खट्टापन इस चिकन में मिलेगा आपको। तो है कि नहीं ये मज़ेदार डिश? अगर आपको ये डिश पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर बनाइए। और आपको ये डिश कैसे लगी इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय।